अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट एंड यू आर वाचिंग फ्रेगरेंस फाइल्स। सो आज जिस फ्रेगरेंस का हम रिव्यू करेंगे उसका नाम है पर्शियन कलेक्शन बाय एमटीजे। 10 ml की 3 डिकेंट बॉटल्स हैं इसमें, कुछ इस तरह के बॉक्स और पैकिंग में आती है एंड इट्स मेड इन यूएई। सो बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं अनबॉल किस टाइप की हैं। एमटीजे एक पाकिस्तानी डिजाइनर हाउस है और इस हाउस का इंट्रोडक्शन आज मैं कुछ अलग अंदाज में दूंगा, जिसमें आपके साथ इस बॉक्स को लेकर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूं। सो क्योंकि एमटीजे एक न्यू डिजाइनर हाउस है और इनकी आउटलेट्स या फिजिकल स्टोर्स अब तक कुछ ही सिटीज में ऑपरेट कर रही हैं और मैं भी पूरा साल यहां से वहां मूव करता रहता हूं। सो इनकी ज्यादातर फ्रेग्रेंसेज मुझे ऑनलाइन परचेज करनी पड़ती हैं और अब तक तो कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुई थी, मगर इस बॉक्स को ऑर्डर करने का एक्सपीरियंस मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं रहा। ये बॉक्स जब तक मुझे कुरियर के थ्रू सेफली रिसीव हुआ था तो अनबॉक्स करने पर इस फ्रेग्रेंस की सील एक तरफ से ओपन थी और जब बॉक्स को ओपन किया तो इसमें मौजूद तीनों बॉटल के जूस लेवल कम होने के साथ साथ बराबर या इक्वल भी नहीं थे। सो जब मैंने इनकी हेल्पलाइन और कस्टमर केयर डिपार्टमेंट को ये सारा मामला बताया और इस मामले को इन्वेस्टिगेट करने की रिक्वेस्ट भी की, इवन के मैंने ये भी बताया कि इनके हाउस की सबसे ज्यादा फ्रेग्रेंसेस के रिव्यूज मैंने ही शेयर किए हैं और आगे भी बिना किसी लालच या स्पॉन्सरशिप के खुद अपने पैसों से बाय करके शेयर करता रहूंगा, मगर कसूरवार होने के बावजूद उनकी तरफ से किसी किस्म का जवाब नहीं आया। सो मुझे इन 2500-3000 रुपए से कोई खास फर्क तो नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने फ्रेग्रेंसेस के शौक में बहुत सारा पैसा लगाया है और आइंदा भी लगाता रहूंगा, जिसमें ना चाहते हुए भी रिव्यूज की खातिर उन फ्रेग्रेंसेस को भी बाय करना पड़ता है जो बाद में मेरे लिए बेकार हो जाती हैं। इवन कि आप में से एक नहीं बल्कि 20 या 25 फ्रेंड्स की तरफ से सेंस एंड स्टोरीज के परफ्यूम्स की सजेशन आ चुकी हैं और मेरे कलेक्शन में उनकी काफी सारी फ्रेग्रेंसेस ऑलरेडी मौजूद हैं, मगर मैं चाहते हुए भी उन फ्रेग्रेंसेस का रिव्यू शेयर नहीं कर सकता और उसके पीछे दो बहुत बड़ी वजह है। पहली वजह यह है कि इतनी परचेजिंग के बाद भी उनकी कस्टमर केयर सर्विस कैजुअल या नॉन सीरियस है, जिसके बारे में हम फिर कभी डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। इवन कि इनके हाउस के ओनर साद अफरीदी साहब एक अच्छे अखलाक के आदमी है, मगर जिस तरह का स्टाफ उन्होंने अपनी हेल्पलाइन पे बिठाया हुआ है उसके बारे में बात ना ही करें तो बेहतर है। और दूसरी बड़ी वजह यह है कि इन लोकल ब्रांड्स का रिव्यू देना एक अजाब से कम नहीं है, क्योंकि अगर ईमानदारी के साथ फ्रेग्रेंसेज में जरा भी खामी बता दी जाए तो उनके नुमाइंदों के नेगेटिव कमेंट्स और उस पूरे हाउस के साथ खामखा की दुश्मनी है। और अगर उनकी फ्रेग्रेंस की जरा भी तारीफ की जाए तो जिन्हें उनकी फ्रेग्रेंसेज पसंद नहीं है वो यही कहेंगे कि कंपनी ने मुझे पे किया है। सो क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ दोस्त बनाने आया हूँ और ऐसे पंगों से मैं जरा दूरी रहना पसंद करता हूँ, क्योंकि सिर्फ एक फ्रेग्रेंस का रिव्यू बनाने के लिए मेरी काफी मेहनत, टाइम और पैसा लगता है, जिसमें मेरी बस हो जाती है, क्योंकि YouTube से बाहर भी मेरी एक लाइफ है जिनमें कई सारे मामलात और अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। इवन के पिछले दिनों एक बड़े इंटरनेशनल यूट्यूबर की तरफ से एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट सामने आया है, जिसमें उन्होंने वाजह तौर पर यह कह दिया कि YouTube के तमाम रिव्यूअर्स को कंपनीज पैसा देती हैं। सो वैसे तो मैं उनकी काबिलियत नहीं जानता, मगर फिर भी मेरे लिए वो काबिल एहतराम सीनियर और एक रिस्पेक्टेबल जेंटलमैन है और उनको फिलहाल मैं यही कहूंगा कि आपकी बात 100 नहीं बल्कि 200% सच है। और ये रूल सिर्फ आप जैसे इंटरनेशनल यूट्यूबर्स पर लागू होता है, क्योंकि आप जैसे इंटरनेशनल यूट्यूबर्स ना सिर्फ कंपनी की तरफ से पे किए जाते हैं बल्कि साइड बाय साइड अपने लिए लो प्राइसेस पे कंपनी से फ्रेग्रेंसेस उठाकर अपनी पर्सनल वेबसाइट्स पर भी सेल करते हैं। और ऐसा मैं नहीं कहता बल्कि ये बात उन यूट्यूबर्स के चैनल के अबाउट मी में देखने को मिल जाती है जहां उन्होंने अपने पर्सनल वेबसाइट्स के लिंक शेयर किए होते हैं। वहीं अगर पाकिस्तानी या चंद एक इंडियन यूट्यूबर्स की बात की जाए तो हम लोग अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे खर्च करके ना चाहते हुए भी कई बार ऐसी फ्रेग्रेंसेस बाय करते हैं और आपके साथ रिव्यू शेयर करते हैं ताकि देखने वाले को ज्यादा डज ना पड़े। और इस बात के लिए मैंने हमेशा से पाकिस्तान के तमाम फ्रेग्रेंस रिव्यूअर्स को सलाम और अप्रिशिएट किया है। सो जब एक डैमेज पीस का कंपनी की तरफ से किसी किस्म का क्लेम नहीं मिला तो स्पॉन्सरशिप तो बहुत दूर की बात है, मगर ऐसा नहीं है कि मेरी इस हाउस से बस हो गई हो। इस हाउस की और भी फ्रेग्रेंसेस के रिव्यू आते रहेंगे और जो फ्रेग्रेंस अच्छी है वो बताता रहूंगा। वहीं अगर इंटरनेशनल यूट्यूबर्स की बात की जाए तो किसी भी फ्रेग्रेंस को हाइप देने के लिए बॉल को सामने रखकर सिर्फ एक डांस कर लेना ही काफी है। सो इस मैग्नेटिक बॉक्स को ओपन करते ही आपको एक पेपर गाइड देखने को मिलेगा, जिसमें बॉटल को रिफिल और ट्रेवल केसिंग में रखने का तरीका बताया है और बॉक्स के ऊपर तीनों फ्रेग्रेंसेस के नाम मौजूद हैं। सो शुरू करते हैं अपना रिव्यू, जिसपे पहले नंबर पे है हिमालयन मस्क बाय एमटीजे। कुछ इस तरह की डीकांट बॉटल में ही आती है, जिसे आप ट्रेवल ऑटोमाइजर केसिंग से निकाल कर दूसरी बॉटल भी कैरी कर सकते हैं। और अब इसके नोट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसके टॉप नोट्स में पियर ब्लॉसम, पिंक पेपर और बर्गमॉट है, मिडिल नोट्स में ट्यूबरोज और जैस्मिन है, और बेस नोट्स में मस्क और पचुली है। इसकी खुशबू स्ट्रॉन्ग व्हाइट फ्लोरल, स्पाइसी, स्वीट, वार्म, अर्दी और वुडी है। और ये फ्रेग्रेंस क्लोन है सुप्रीम बुके बाय YSL का। सो चलते हैं दूसरी फ्रेग्रेंस की तरफ, जिसका नाम है जमालियत बाय MTJ। ये भी सेम तरह की डिकेंट बॉटल में आती है। सो इसके नोट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसके टॉप नोट्स में ब्लूबेरी और एनिस है, मिडल नोट्स में कश्मीर वुड, फ्लोरल नोट्स और रोजमेरी है, और बेस नोट्स में एम्बर, हनी और मस्क है। इसकी खुशबू थोड़ी सी वार्म, स्वीट, वुडी, व्हाइट और पिंक फ्लोरल, फ्रूटी और पाउडरी सी है। और ये फ्रेग्रेंस काफी हद तक सिमिलर है कलिमात बाय अरेबियन वुड से। सो चलते हैं लास्ट फ्रेग्रेंस की तरफ, जिसका नाम है परशियन वुड बाय MTJ। सेम उसी तरह की डिकेंट बॉटल है और इसके टॉप नोट्स में लेबनान, मिडल नोट्स में रोज,
रोज, पचुली और सेफ्रॉन है और बेस नोट्स में एगरवुड, ऊद, सीडरवुड और सेफ्रॉन है और इसकी खुशबू में रोज, ऊद, एम्बर, सेफ्रॉन और पचुली का बहुत खूबसूरत सा कॉम्बो है और ये फ्रेगरेंस काफी खूबसूरत क्लोन है ऊद इस्पहान बाय क्रिस्टियन डियोर का। ये तीनों फ्रेगरेंसेस यूनिसेक्स हैं जिन्हें हर एज के मेल्स और फीमेल्स सिवाय एक्सट्रीम समर्स के किसी भी मौसम, डे एंड नाइट और कभी भी कहीं भी वेयर कर सकते हैं। परफॉर्मेंसेस की बात कर लेते हैं, 1.5 से 2 घंटों तक इनकी हैवी प्रोजेक्शन है और 5 से 6 घंटों के करीब इनकी कपड़ों पर लास्टिंग है और आज की डेट में जिस डेट को ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ इस पर्शियन कलेक्शन की प्राइस 2,280 रुपए है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, मेरा काम पसंद आए तो आगे शेयर करें। मैं मिलूंगा एक नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा एंड कीप स्मेलिंग ऑसम। अल्लाह हाफिज़।